वेलकम है जी स्टूडेंट सभी का। अगर आप भी एम कर रहे हैं सितंबर इनटेक कनाडा के लिए स्टडी वीज़ा के लिए, तो आज के इस शो को ज़रूर देखें, क्योंकि कनाडा के सितंबर इनटेक को लेके यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कन्फ्यूजिंग है। आज हम इस मसले पे क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, आपको एग्जैक्टली बताएंगे सीट्स का स्टेटस क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, किस तरीके के कोर्सेज में आपको सीट्स मिल सकती हैं। मैं बता दूं आज के गेस्ट के बारे में, लैंडमार्क इमिग्रेशन से हैं जसमीत जी, जिनको 15 साल का ना सिर्फ एक्सपीरियंस है बल्कि 20,000 वीज़ा लगवा चुके हैं। स्वागत है जी। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कंफ्यूज होना लाजमी है, सितंबर इनटेक की रियलिटी क्या है? सी, इस टाइम पे अगर सितंबर इनटेक की बात करूं तो सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर अगर कोर्स करना चाहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन या कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो अवेलेबिलिटी बहुत कम है, एक या दो कॉलेज में ही आपको ये कोर्स मिल पाएगा। और इसके अलावा बात करूँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, सो मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। सितंबर इनटेक की अवेलेबिलिटी बहुत बहुत कम है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अवेलेबल है, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अवेलेबल है। अगर आप MBA करना चाहते हैं तो अवेलेबिलिटी है, एसोसिएट डिग्री आर्ट्स में अवेलेबिलिटी है, जनरल आर्ट साइंसेज में अवेलेबिलिटी है, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्राम अवेलेबल है, पुलिस फाउंडेशन का प्रोग्राम अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी भी है दीपक जी, बट चॉइस नहीं रख सकते आप, करेंगे कि मेरे को वही कॉलेज चाहिए, वही कोर्स चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। इस टाइम पे अगर बात करते हैं तो सितंबर इनटेक 80-85% सारे ही कॉलेजेस में क्लोज हो चुका है। जसमीत जी, आज 28 अप्रैल है जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, कितना टाइम बचेगा स्टूडेंट के? जब तक कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल रहेंगी तब तक हम आपको सीट्स देते रहेंगे। अगर आप सितंबर इनटेक जाना चाहते हो तो हमारे नियरेस्ट ऑफिस जरूर विजिट करो, डू नॉट डिले, बिकॉज हम 15 जुलाई तक सितंबर इनटेक की फाइल्स लॉन्च करेंगे। वी हैव अ गुड टाइम राइट नाउ ऑल्सो, मई जून जुलाई 2.5 महीने में आप फीस भी पे कर सकते हो कंफर्टेबली, आप अपना GIC भी ओपन कर सकते हो और अपनी फाइल भी लॉन्च कर सकते हो। टर्न अराउंड टाइम आपको पता ही होगा, कोई 3 वीक्स टू, अगर मैं बात करूँ 10 वीक्स का है ऑलमोस्ट, 3 वीक्स में भी रिजल्ट आ सकता है और 10 हफ्ते भी लग सकते हैं रिजल्ट के लिए। आप देरी ना करें, अगर आपके पास IELTS का रिजल्ट है और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, डू नॉट डिले। अगर आपकी रिफ्यूजल आई है और आप फिर भी कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं तब भी डू नॉट डिले, वी हैव सीट्स राइट नाउ फॉर सितंबर, सो विजिट नियरेस्ट ऑफिस। अगर आप जसमीत जी की सलाह चाहते हैं तो आप कॉल करके 9413-9412 पे अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।